नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था पांडवों की सेना और कौरवों की सेना युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी होती है। फिर जब अर्जुन की नज़र कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और पितामह पर पड़ती है तो वो घबरा उठते हैं, वो विचलित हो जाते हैं और युद्ध करने से मना करते हैं। फिर श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। आइए जानते हैं आगे की कहानी। रण क्षेत्र में धर्मवीर युधिष्ठिर अचानक ही अपने रथ से नीचे उतरा। उन्होंने अपना कवच भी पहले उतार दिया, फिर दोनों हाथ खड़े करके कौरव सेना में तेजी से घुसते चले गए। उधर से युद्ध का बिगुल बज रहा था। ऐसे में शत्रु के हजारों तीर एक साथ युधिष्ठिर के सीने को छलनी कर सकते थे। सारे पांडव आश्चर्य से धर्मपुत्र की ओर देख रहे थे। भैया को क्या हो गया? क्यों यह अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? कौरवों की सेना में घुसना कोई अच्छी बात नहीं। पांडव भाई तरह तरह की बातें कर रहे थे, किंतु युधिष्ठिर तो हवा की भांति उड़े जा रहे थे। मौत का भय तो उनसे कोसों दूर था। अर्जुन और भीम अपने भाई को खतरे में देखकर उनके पीछे पीछे भागे। पांडवों को इस हालत में देखकर सब लोग हैरान थे। धर्मराज, रुक जाओ, आप स्वयं ही क्यों मृत्यु के मुंह में जा रहे हो? किंतु उनकी इन आवाज़ों का धर्मराज पर कोई असर नहीं पड़ा। वे तो भागे जा रहे थे, दोनों हाथ आकाश की ओर किए। उनके पीछे दूसरे पांडव भी भागने लगे। इन्हें इस हालत में भागते देख स्वयं श्री कृष्ण भी पीछे पीछे भाग लिए। वे युधिष्ठिर के मन की भावना को जान गए थे। तभी अर्जुन से बोले, हे वीर, तुम इनकी चिंता मत करो, ये किसी महान कार्य से ही जा रहे हैं। फिर अचानक ही युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, मामा शल्य के रथों के आगे आकर बारी बारी से उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर की इस चाल को कोई न समझ सका। केवल कृष्ण ही समझ पाए थे कि वे इन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। हुआ भी यही, इन सबको प्रणाम कर उनसे यह आशीर्वाद प्राप्त किया, धर्मराज, तुमने सर्वप्रथम आकर हमें प्रणाम किया है। तुम वास्तव में ही धर्म की रक्षा करने वाले धर्मपुत्र हो। यदि तुम वास्तव में ही धर्म रक्षक हो तो विजय तुम्हारी होगी। फिर युधिष्ठिर ने अपने रथ में बैठकर आवाज़ लगाई, देखो मित्र, मैं धर्म युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। अब भी यदि कोई क्षत्रिय मेरे साथ आना चाहता है तो आ सकता है, मैं उससे गले लगाने के लिए तैयार हूँ। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर दुर्योधन का छोटा भाई युयुत्सु कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की ओर आ गया। उसने धर्मपुत्र के आगे आत्मसमर्पण करते हुए कहा, धर्मराज, मैं पापी लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, मैं धर्म की रक्षा करना चाहता हूँ। आओ भैया आओ, धर्म की जय जयकार हो। इस समय धर्म खतरे में है, हम सब मिलकर धर्म की रक्षा करेंगे। अगले एपिसोड में जानेंगे युद्ध के प्रारंभ के बारे में। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।